आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अखंड भारत संकल्प दिवस मनाने जा रहा है जो राजधा भवन के प्रांगण में हो रहा है। इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो करने वाले हैं वैसे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रामकृष्ण परमहंसर मौजूद हैं, साथ ही साथ कॉलेज के ही इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रत्नेश कुमार सरकारी आदि वजन हम लोगों को भी लेकर इस अवसर विंध्य हिमालय की पर्वत मालाओं से आरक्षित भारत, हिंद महासागर की उदान तरंगों से पुलकित भारत, अंबेडकर पटेल जैसे महारथियों से गौरवान्वित भारत, अनादि संस्कृति से सुसंस्कृत भारत, भारत का एक प्राचीन परंपरा रहा है जो 5000 सालों से भी ज्यादा से अनवरत रूप से चलते आ रहा है। और तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जी कहा था, भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, यह चंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि, इसका कंकर कंकर संकर है, इसका बूंद बूंद गंगा जल, जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। तो जो आज का भारत हम लोग देख रहे हैं वह इस रूप में ही नहीं था, बल्कि अनादि काल में जो एक विस्तृत भारत था, अखंड भारत था, उसका एक समय अंतराल में लगातार विभाजन और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरा है जो आज का भारत हम लोग देख रहे हैं। लेकिन कोई भी राष्ट्र जो होता है उसको अपने इतिहास को हमेशा ही याद रखना चाहिए और तभी वो एक राष्ट्र के रूप में हमेशा बना रह पाता है, चाहे वो आप इसराइल का उदाहरण लें, चाहे वो अमेरिका का उदाहरण लें। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हर हमेशा प्रयास ये करते रहा है कि जो हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है अखंड भारत का, उसको हम किस तरीके से आने वाले दिनों में पूरा करें उस परिकल्पना को। तो इस कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ अपने सारे मंचस्थ प्रतिनिधियों को, भारत माता और स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्पांजलि करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। रोहित तिवारी अपने माननीय संचालक जी श्री तिवारी जी को पुस्तक भेंट करके स्वागत करेंगे। महाविद्यालय छात्र गुरु प्रिंस पटेल से मैं आग्रह करूंगा कि आज के बौद्धिकर्ता काला पुरुषोत्तम सर का पुस्तक भेंट करके स्वागत करें। प्रोफेसर गोपाल स्वागत करेंगे आज के वक्ता हमारे आदरणीय डॉक्टर सुरेश सर का। नालंदा कॉलेज की छात्रा आरोही, नालंदा कॉलेज की छात्रा आरोही स्वागत करेगी हमारे प्राचार्य महोदय का पुस्तक भेंट करके।
ज्ञानपुर से मैं आग्रह करूंगा कि वो पुस्तक लेकर करके डॉक्टर लक्ष्मी समय सर का स्वागत करेंगे। धन्यवाद। जैसे विष्णु पुराण हो गया, अग्नि पुराण, वायु पुराण, सारे जगह पर वर्णन है कि समुद्र से उत्तर का क्षेत्र और हिमालय से दक्षिण का क्षेत्र जो क्षेत्र है वो भारत कहलाता है, ऐसा वर्णन है। तो समुद्र से जो उत्तर का क्षेत्र है उसको जब हम पूरी अच्छी तरह से जब देखते हैं तो पता चलता है, अगर पूरा और पश्चिम की तरफ से देखते हैं तो हिमालय का जो विस्तार है वो हिमालय का विस्तार हिंदू कुश से लेकर के और इधर हमारे सेवन सिस्टर्स सात जो स्टेट हैं, सात बहने जो कहे जाते हैं वहां तक का विस्तार है। तो इस पूरे विस्तार में अगर पूरी तरह से हम देखेंगे तो यहाँ से ईरान से लेकर के और इसकी सीमाएं इंडोनेशिया और उसके आसपास के देशों तक फैली हुई है। तो भारत का विस्तार इंडोनेशिया ईरान से इंडोनेशिया तक फैली हुई, किसी जमाने में फैली हुई थी और ये पिछले 2500 वर्षों में ये जो 1947 का जो भारत का बंटवारा हुआ ये 24वां बंटवारा था। और शायद अंग्रेजों के समय में अगर 1857 की क्रांति की याद करें तो 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक 7 बार हम बट चुके थे। तो इतने ज्यादा बंटवारे के बाद जो हमें शेष भारत मिला है हम लोग इसी भारत को मान लेते हैं और 15 अगस्त को हम खुशी मनाते हैं। निश्चित रूप से आजादी मिली है तो खुशी का दिन है, लेकिन इसे हम ना भूलें कि हमारी आजादी बहुत से छोटे से टुकड़े को मिली है, ये सिर्फ 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। इनफैक्ट पिछले 100 सालों में 83 लाख वर्ग किलोमीटर का जो पूरा क्षेत्र था अंग्रेजों के द्वारा विभिन्न षड्यंत्रों के तहत उसे अलग कर दिया गया और 50 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है हमारे पड़ोसी देशों के हिस्से में चला गया। तो टोटल 83 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर अंग्रेज और उसके समकक्ष जो शासन था वो चला था उस समय। लेकिन आपको याद है ये पुरातन देश है और पुराणों में इसका वर्णन है। तो जो पूरा जो भारतवर्ष का वर्णन आता है वो काफी फैला हुआ, काफी विस्तृत आता है। तो हमें आज 14 अगस्त को इसे याद करना है, इसे अपने जेहन में समाहित करना है और हमें याद करना है कि हमने भविष्य में क्या क्या खोया था। ये 14 अगस्त याद करने का दिन है कि हमारे पूर्वजों की संस्कृति जिसे हमने खोया था उसे हम इस गौरव को कैसे प्राप्त करेंगे, भौगोलिक रूप से सांस्कृतिक रूप से हम इस गौरव को कैसे प्राप्त करेंगे, ये अलग जलाने की जरूरत है, ये आग जलाने की जरूरत है और हम लोगों के दिलों में ये आग जलना चाहिए, हमारे दिलों में आपके दिलों में ये आग जलना चाहिए और ये आग 16 का रूप लेना चाहिए जिससे कि हम अपनी पुरातन संस्कृति को, पुरातन जो हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र था, हमारी जो संस्कृति थी उसे फिर से अस्तून रख सकें और फिर से भारत को भी विश्व गुरु के रूप में तैयार कर सकें। किशोर रंजन जी के द्वारा जो यहाँ रखा गया है उस विषय की बात हो और उसमें जम्मू कश्मीर की बात ना हो जिसे भारत माता का मुकुट कहा जाता है, ताज कहा जाता है, मुझे लगता है कि वो बात बोली रह जाती है। जम्मू कश्मीर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर आपको माना कि जम्मू और कश्मीर में एक अलग क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, लद्दाख प्रदेश शासित है वो प्रदेश हो गया है। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो एक ही राज्य के हिस्से थे और ये तीन क्षेत्र थे, एक लद्दाख का हिस्सा था, एक कश्मीर का हिस्सा आता है और एक जम्मू का हिस्सा आता है। और जम्मू के हिस्से में ही जो आपका राजौरी और पुंछ का हिस्सा आता है जिसमें आपका जो मैक्सिमम पार्ट है पुंछ का वो इस समय जो है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो उसके अंदर आता है।
तो जिस जम्मू कश्मीर को जो कि हिमालय की गोद में बसता है, जिसे हम भारत माता का ताज कहते थे, उस ताज के अंदर कुछ लोगों ने जो है वो एक तरह से कांटे लगाने का जो है वो काम किया। अभी वनीत जी जब अपने यहाँ पे बात कर रहे थे तो उन्होंने 5000 वर्ष की संस्कृति की बात की। तो आज आप जो कश्मीर के बारे में सुनते हैं कि कश्मीर में ऐसा हो रहा है, कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कश्मीर में गलियर अटैक हो रहे हैं, कश्मीर में बम फोड़े जा रहे हैं, तो उसके पीछे का इतिहास क्या है मैं आपको बताता हूँ। साथी याद रखिए, कश्मीर के जो मूल निवासी हैं वो कश्मीरी पंडित हैं, जिनकी 5000 वर्ष की अपनी संस्कृति है, और ये वही कश्मीरी पंडित हैं जिनको उनके मूल स्थान से जो है वो निकाल के बाहर कर दिया गया था 1990 के लिए। चौदहवीं शताब्दी से पहले तक जो है कश्मीर में हिंदू शासक रहे हैं, और कश्मीर में जो है पूरी तरह से हिंदू संस्कृति रही है, कश्मीरी पंडितों के द्वारा जो है उसका एक तरह से पालन पोषण किया गया है। 13वीं-14वीं शताब्दी में पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो मुगलों का जो है आक्रमण होता है, और उसमें कहा जाता है कि 60,000 कश्मीरी पंडितों को मारा गया, और पहली बार वहां पे जो है वो मुगलों ने अपना राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। और उस समय जो वहां के जो कश्मीरी पंडित थे उन लोगों को वहां से भागने के लिए मजबूर किया गया, वहां की जो उनकी जो औरतों को मारा गया, उनके साथ बलात्कार किए गए, और उस समय उन्हें यही कहा जाता था कि या तो आप मुस्लिम बन जाएंगे या फिर आप जो है मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत सारे लोग थे जो जिनको जबरन आप कह सकते हैं कि डर के कारण उन लोगों को एक तरह से मुस्लिम बनाया गया, और आज कश्मीर के अंदर जो आपको मुस्लिम मिलते हैं, आप देश के किसी भी कोने में देखिए, आप अगर किसी को पूछें कि आप कौन है तो वो कहता है मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं बौद्ध हूँ, लेकिन अगर आप कश्मीर के अंदर जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि मैं कश्मीरी मुस्लिम हूँ। वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि उनके जो पूर्वज है वो कश्मीरी पंडित थे, उन्हीं कुछ कश्मीरी पंडित को जबरन जो है मुगलों के द्वारा जब जो है वो कश्मीरी मुस्लिम बनाया गया, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को एक तरह से छोड़ नहीं पाए हैं, तो अपने साथ जो है वो कश्मीरी मुस्लिम का जो है वो टाइटल देते हैं, नाम देते हैं। ये स्थिति चलती रही मुगलों के बाद जब अंग्रेज यहाँ पर आए, और अंग्रेजों ने किस तरह से हमारी संस्कृति को जो है एक तरह से मिटाने का प्रयास किया उसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज कश्मीर के अंदर घटनाएं घट रही है, उसकी जो असली कहानी जो होती है वो 1947 से शुरू होती है। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ और जिस अखंड भारत का हम सपना देखते हैं उसकी पहली चोट जो है वो अंग्रेजों के द्वारा हमारे ऊपर की गई थी, और जब एक तरफ पाकिस्तान बन चुका था और एक तरफ देश के बाकी राज्यों के लोग जो है वो आजादी का जश्न मना रहे थे, उस समय जो है जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो एक और लड़ाई करने की तैयारी कर रहे थे। एक असमंजस की स्थिति थी, एक कंफ्यूजन था कि जम्मू कश्मीर का क्या होगा। किसी शायर ने कहा है कि तारीखों ने गलती की है और सदियों ने सजा पाई, और वही ये गलती उस समय वहां के जो राजा थे उनसे हुई। जब जम्मू कश्मीर जब भारत का विभाजन हो रहा था तो उन्होंने यही सोचा कि हम ना तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना ही हम भारत के साथ जाएंगे, बल्कि हम अलग होकर रहेंगे। उसका फायदा जो है उस समय पाकिस्तान ने उठाया, और पाकिस्तान ने जो कश्मीर में उस समय जैसे मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया हो चुका था वहां के कुछ मुस्लिम परिवारों के साथ, जिसमें आपने शेख अब्दुल्ला का नाम सुना होगा, फारूक अब्दुल्ला का नाम भी आपने सुना होगा, और हम उनके आगे बैठे हैं उमर अब्दुल्ला, उनका नाम भी सुना होगा। तो शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रखा, और पहले तो वहां के राजा के पास ये संदेश भेजा कि आप पाकिस्तान के साथ जुड़ जाइए, और काफी प्रलोभन दिए, लेकिन जब वहां के राजा नहीं माने तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया। उस समय राजा हरि सिंह ने नेहरू जी के पास प्रार्थना की कि पाकिस्तान के द्वारा जो आक्रमण किया गया है उस आक्रमण से हमारी रक्षा कीजिए, लेकिन
नेहरू की दोस्ती माउंटबेटन के साथ भी थी और नेहरू की दोस्ती शेख अब्दुल्ला के साथ भी थी। और अगर आप इतिहास में पढ़ेंगे तो नेहरू जो है वो हरी सिंह को कतई पसंद नहीं करते थे। तो जब राजा हरी सिंह वहां से कश्मीर से चलते दिल्ली में आते हैं विजय करने के लिए कि मैं भारत के साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं भारत के साथ रहना चाहता हूँ, आप अपनी फौजें वहां भेज कर आप अपनी आर्मी वहां भेज के जो है वो जम्मू कश्मीर को बचाइए। उस समय वो विजय करने में कम से कम 2 से 3 दिन का समय जो है वो नेहरू ने लिया। पहले तो नेहरू जो है वो हरी सिंह से मिले ही नहीं और उस काफी हद तक जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो पाकिस्तान की जो आप कहें पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं और जो घुसपैठिए हैं वो काफी अंदर पहुंच चुके थे। और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर का विजय होता है, उसके बाद भारत की जो है सेना आर्मी जाती है और जो एरिया जो बचा था उस एरिया को बचाती है। और अगर आप देखेंगे उस समय नेहरू की गलती के कारण अगर आपने राजौरी पुंछ का एरिया देखा हो तो राजौरी पुंछ का मैक्सिमम एरिया जो है वो उसे पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था। और भारतीय सेना को कम से कम 6 महीने का समय लगा था उस एरिया को जो है वो वापस अपने भारत में मिलाने के लिए। तो 26 अक्टूबर 1947 को जब जम्मू कश्मीर का विलय जो है वो भारत के अंदर होता है और भारत आजादी मना रहा होता है तो जम्मू के जो दूर दराज के इलाके हैं जो राजौरी कुछ के जो क्षेत्र हैं वो तब एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं क्योंकि तब भी वहां पे जो है वो इतना से पाकिस्तान का जो है वो कब्जा था। तो 13 अप्रैल 1948 को जो है वो आपका जम्मू कश्मीर का जो पुंछ का जो क्षेत्र था उस पुंछ के क्षेत्र का जो है वो भारत में विलय होता है। तो आज भी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर उन एरियाज के अंदर जो 13 अप्रैल का दिन है वो एरिया से आजादी का दिन जो है वो मनाया जाता है। ये विलय तो हो गया, जम्मू कश्मीर भारत को मिल गया, उसके बाद जो है वो वहां पे जो है वो एरिया से राजनीतिकरण शुरू होता है वो शेख अब्दुल्ला परिवार के द्वारा और वहां के जो कुछ और मुस्लिम शासक थे उन लोगों के द्वारा। जम्मू कश्मीर के अंदर 47 के बाद से ही जो कश्मीरी पंडित थे और जो बाकी हिंदू परिवार थे उनको तंग करना शुरू कर दिया गया। वहां पर जो हिंदू दर्शक थी उनसे छेड़खानी होती थी, उन्हें जबरन उठा दिया जाता था और यह संदेश दिया जाता था कि या तो आप कन्वर्ट हो जाइए, या तो आप इस्लाम को कबूल कर लीजिए, या तो आप मुस्लिम बन जाइए, या फिर आप कश्मीर छोड़कर चले जाइए। बार बार दिल्ली से गुहार लगाई गई कि जम्मू कश्मीर को बचाया जाए लेकिन दिल्ली ने जो है वो शेख अब्दुल्ला के प्रेम में जो है वो अपनी आंखें जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए मूल थी। और 1990 के आते आते वहां की यूनिवर्सिटीज में वहां की कॉलेजेस में सामने सामने पोस्टर लगा दिए जाते थे कि या तो आप मुस्लिम बन जाइए या कश्मीर छोड़ दीजिए, ये कश्मीर मुस्लिम का है, यहाँ पे हिंदुओं को रहने का कोई अधिकार नहीं है। और 1990 में 5 जनवरी 1990 को वहां की मस्जिदों से ये ऐलान किया गया कि जो हिंदू होते हैं जो कश्मीरी पंडितों की होते हैं उनको उठा लिया जाए, उनके साथ जबरन शादी कर ली जाए और जो ना माने उसको मारा जाए। तो 1990 में वहां पे एक हमें जंग संहार होता है और बड़ी तादाद में जितने भी जो मुस्लिम वहां पे जो कट्टरवादी लोग थे वो सड़कों पर आते हैं, बहुत सारे कश्मीरी जो पंडित हैं उनको मारा गया, बहुत सारी औरतों का जो है एक तरह से बलात्कार किया गया, बहुत सारी जो औरतें थी लड़कियां थी उसको जो है जबरन उठा के जो है वो ले गए, जो पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी थे वो ले गए। तो 1990 में पहली बार कश्मीरी पंडितों का प्लान होता है, 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से उनके जो मूल स्थान है उनसे निकाल दिया जाता है। और उस समय की जो सरकारें थी वो सरकारें उसके ऊपर चुप भी साथ देती हैं। आज अगर सरकार जो काम करती है किसी के अगेंस्ट कोई काम करती है, आज अगर गुजरात में कोई बात हो जाती है, आज अगर बिहार में कोई बात हो जाती है तो सारे के सारे जो आपके मीडिया वाले हैं वो लिखना शुरू कर देते हैं कि आज सरकार ऐसा कर रही है, आज सरकार अत्याचार कर रही है,
सरकार है, वर्गीय धर्मकारी सरकार है, लेकिन आप देखिए जिस एक प्रदेश से 4.5 करोड़ लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है, ना उस समय का मीडिया बोलता है तो ना ही उस समय की जो है वो सरकार बोलती है, और उस पर निकालने के बाद फिर कश्मीर के अंदर जो है वो इस्लामीकरण का दौर जो है वो शुरू होता है। धीरे धीरे वहां के मंदिरों को तोड़ा जाता है, तक्षशिला की बात अभी सर ने आपको बताई, वहां के जो हिंदू संस्कृति के नाम थे उनका जो इस्लामीकरण जो है वो नाम किया जाता है, और ये पूरे कश्मीर के अंदर आतंक का एक तरह से डर पैदा कर दिया जाता है कि वहां पर कोई भी हिंदू ना जा सके, कोई भी हिंदू जो है वो वहां पे ना बस सके। और जब कश्मीर के अंदर उनके मंसूबे जो है वो एक तरह से पूरे होते हैं तो उनका अगला टारगेट होता है जम्मू, और जम्मू में उनका जो राजौरी कुंज का क्षेत्र है वो वहां पर भी होता है। हालांकि एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब कश्मीरी अलगाववादियों ने जम्मू के अंदर अपने पांव पसारना शुरू किए तो जम्मू के अंदर आपको यह बताया जम्मू के कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर के अंदर भी 3 तरह के मुस्लिम आपको मिलेंगे, एक कश्मीरी मुस्लिम है और उसके बाद एक डोगरा मुस्लिम आते हैं जो जम्मू रीजन के अंदर जो जम्मू का क्षेत्र है उसके अंदर बसते हैं, और उसमें भी एक पहाड़ी और गुज्जर मुस्लिम आते हैं। हालांकि पहाड़ी और गुज्जर मुस्लिमों ने उस तरह से उन अलगाववादियों का और आतंकवादियों का साथ नहीं दिया जिस तरह से कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुस्लिम ने जो है वो उनका साथ दिया। हालांकि बहुत हद तक उन्होंने पूंछ के अंदर भी जो हिंदू संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, उसको मिटाने का प्रयास किया, लेकिन जो काम उन्होंने कश्मीर के अंदर किया वो काम वो जम्मू के अंदर नहीं कर पाए, राजौरी के अंदर नहीं कर पाए और पूंछ के अंदर नहीं कर पाए। तो यह सिलसिला चलता रहा, बार बार सरकारों से भी अनुरोध किए गए कि जो कश्मीरी जो पंडित है, कश्मीरी पंडितों को वापस जो है वो उनके प्रदेश में बसाने का जो कार्य है वो कार्य किया जाए, लेकिन पूर्व की सरकारों ने जो है इसके ऊपर जैसे ही किस हत्या रखी थी, और सन 2019 में पहली बार भारत सरकार ने एक तरह से ये दृढ़ संकल्प किया, ये निर्णय लिया कि अब जो है कश्मीरी पंडितों को जो है वो उनका जो अधिकार है, उनका जो हक है वो उनको दिया जाएगा, और जो हमारी संस्कृति है जिसको एक तरह से पूरी तरह से उसको नष्ट कर दिया गया है, उस संस्कृति को दोबारा से वहां से उस संस्कृति को वहां पे पसाया जाएगा। और पहली बार 2019 में जो 370 का दर्श हम पिछले 70 सालों से झेल रहे थे, मान लीजिए आप कश्मीर के अंदर जाते हैं तो आपको नागरिक नहीं कहा जाता, आपको कहा जाता है कि ये बाहर से आए हैं, ये हमारे नहीं है। वहां पर अगर आप राष्ट्रीय तिरंगा जो है वो नहीं फहरा सकते थे, कश्मीर के अंदर अगर आप राष्ट्रीय तिरंगे को जला देते हैं या उसका अपमान करते हैं तो उस पर आपको कोई सजा नहीं होती थी, बल्कि उसकी जगह पर आपको एक तरह से आपका सम्मान किया जाता था वहां के लोगों के द्वारा और वहां की सरकारों के द्वारा। तो 2019 को भारत सरकार के द्वारा 370 को वहां पे तोड़ा गया और एक तरह से जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से जो है वो भारत के साथ मिलाया गया, और आज आप जम्मू कश्मीर के अंदर देखते हैं जहाँ कभी आप जाने की हिम्मत नहीं करते थे, तिरंगा उठाने की बात तो दूर है, आज अगर आप देखेंगे कि 15 अगस्त को पूरे का पूरा जो लाल लोग है वो तिरंगे से जो है वो जगमगा रहा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो भारत सरकार है वो आने वाले दिनों में इस दिशा में और काम करेगी, और जो 5000 वर्ष की जो हमारी संस्कृति थी कश्मीर के अंदर वो पुनः हमें जो है वहां देखने को मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने मन को विराम देता हूँ। जय हिंद। जनता अपने राजाओं का दोष नहीं लगा, राजा हरि सिंह ने तो सोच लिया था ये क्या भारत से लोगों को लेना देना नहीं है, भारत स्वतंत्र हो चुका है और काश्मीर राज्य भी स्वतंत्र हो गया, हम आराम से राज करेंगे। लेकिन उनको भारत कब ख्याल आया जब उन पर आक्रमण होना शुरू, तब उनके मन में आएगी वो अच्छा भारत को तो मेरा बड़ा भाई है। अंत में उनको ये समझ में आया तब तक ये हो चुके,
हमने पाकिस्तान को खोया उसके पीछे क्या राज है आप लोग सब जानते हैं। आधी आबादी का जश्न आज तक हम लोग मना रहे और आगे भी मनाते रहे। बांग्लादेश के लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, मुक्ति वाहिनी सेना गठित हुए, बांग्लादेश के लोगों ने लड़ा और भारत ने कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ दिया और आज बांग्लादेश जो है कि स्वतंत्र रहा था। ठीक उसी प्रकार से जब जब जो कौम जो संस्कृति कमजोर हुई है उस पर दूसरी संस्कृति के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों ने हमला किया है और बर्बाद किया है, इतिहास साक्षी है। तो जो लोगों ने किसी सदी में नहीं कर सकते हैं सिर्फ विलाप करने से तो समस्या का समाधान नहीं होता है। विद्वान हमारे साथियों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें को कहा कि वो एशिया से जुड़े हुए थे, मध्य एशिया से जम्मू कश्मीर के लोगों से जुड़े हुए थे, लेकिन मैं आपको जरा दुनिया के तौर पर डिजाइन बना देता हूँ जहाँ भारत और भारत की संस्कृति कैसे फली फूली और लोगों के बीच में कैसे हम आज भी जिंदा हैं यह उसका उदाहरण मैं दे देता हूँ। जम्मू कश्मीर का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा क्योंकि अंग्रेजी पढ़ा नहीं। ये डब्ल्यू विलियम बटलर गेट्स ये वैसे कवि हैं जिनको हम लोग पूर्वोत्तर का कवि कहते हैं, ओरिएंटल पॉइंट बोलते हैं। और इन्होंने जितना गीता उपनिषद महाभारत और रामायण का पाठ किया और जाना बहुत सारे हिंदू और भारतीय भी नहीं जानते। अगर इन्होंने बंगाली कवि हमारे और गुरु भारत गुरु समझिए रविंद्रनाथ टैगोर की कविता का ट्रांसलेशन आपको मैं ठीक प्रकाश दूंगा या आप
ये सीएम का प्लेट सर्वेस प्लेट इस पर सीधेगा अंतिम लाइन देखिएगा। प्रथम युद्ध में यूरोप सभा, द्वितीय युद्ध में यूरोप सभा, क्रिश्चियंस को ये पता नहीं चल रहा था या फिर कौन सा गॉड आ रहा था उनको बताएगा करें आपस के झगड़े मिल जाए। ठीक है, भारत को तो वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उनको पड़ा नहीं था। अंग्रेजों ने कहा चलो भैया लाओ हम खत्म करते हैं, बाकी ने कहा कि ठीक है भाई कब्जा से करता हम मिला करके जाएंगे तो कर लोगे ना, अंग्रेज उन पर बाद में। लेकिन दूसरे युद्ध के बाद में घटनाएं अलग हो गई, पक्का करा लिया गया सेकेंड वर्ल्ड वार में तुम्हारे साथ में चलेंगे, लेकिन इस बार धोखा नहीं। और आजादी का डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया गया इमीडिएटली, जो उस समय लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कह दिया कि अगर मैं ब्रिटेन की कुर्सी पर बैठूंगा प्रधानमंत्री के रूप में तो मैं भारत को आजाद करूंगा। हुआ आजादी के पहले आजादी का डॉक्यूमेंट तैयार था, सिर्फ इमीडिएटली को जीतना था। ये सारे तथ्य आपको पता नहीं हिस्ट्री में कौन बताएगा नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 1947 के पहले भारत के स्वतंत्रता का सूत्र लिखा जा चुका था। अग्रीमेंटी साहब से पूछा गया था ये बताइए 1942 की लड़ाई, 1942 में इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, पुराने आए ठिकाने आए, आपको उनसे डर नहीं लगा? आखिर क्या डर था जब आपने जो 1947 में भारत को आजाद कर दिया? डर तो हमको तो लगा लेकिन आंदोलनों से डर नहीं लगा। हमको डर उन 2,50,000 सैनिकों का है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दिया था और आज भी वो उतने ही ब्रेव है, उतने ही करेजियस है जितने वो युद्ध के मैदान में थे। और आप लोगों ने देखा होगा चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो या इंडियन एयरफोर्स हो, सभी जगह विद्रोह होना शुरू हो गया और बंगाल के गवर्नर जो भारतीय थे उन पर अंग्रेजों ने जो टीका कसी कर दी तो सारा उद्यम मकमा पाट कर खड़ा हो गया उनके पक्ष में, सब अंग्रेजों को समझ में आ गया जब ज्यादा दिन नहीं ठीक है। डर क्या चीज से लगता है? हिटलर ने कहा था बड़ा बढ़िया से कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैटल बैरल ऑफ द गन, ठीक है, कीप योर पावर ऑलवेज ड्राई, बारूद अपना हमेशा सुरक्षित रखो और सूखा रखो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन हमारी संस्कृति ने हमको कमजोर कर दिया, आपने हमारे योद्धाओं को देखा होगा एक हाथ में स्वस्थ है एक हाथ में साथ है कि नहीं है, लेकिन हम लोगों ने शास्त्र को अपनाया शस्त्र को छोड़ दिया और नतीजा भारत का विभाजन होते चला गया होते चला गया होते चला गया। आज भारत के पास में ऐसी विध्वंसक शक्ति है उसका कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता, के पास में ये शक्ति रहेगी जिसमें ये हिस्सा रहेगी न तो वो कभी देर बिगड़ेगा न तो वो कभी संस्कृति बिगड़ेगी। इसलिए अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि देश की सीमाएं जो अभी भी कुछ बच गई है वो सुरक्षित रहे, तो उसके लिए सबसे पहले अपने मन को क्या करना होगा, अपने अंदर वो जोश और जज्बा खड़ा करना होगा और सरदार पटेल की भांति राष्ट्र निर्माता के तौर पे चाहे भी आपकी कितनी भी हो कितनी भी गंदी हो हमको एक साथ खड़ा रह करके इस पूरे भारत के संकल्प को फिर से दोहराना होगा और उसके लिए सबको साथ आना होगा। और ये हम बराबर कश्मीर की बात कहते हैं, गालियों के साथ महाराष्ट्र में क्या होता था याद है ना, भूल गए बिहारियों के साथ में और कुछ राज्यों में क्या होता है। एक बार मैं भी बम्बई गया था, कुछ लड़के थे हिंदी भाई भैया जी आ गए हैं बिहारियों को हाँ भाई जी लोग कहते उत्तर बिहारियों को, तो मैंने उसमें से एक को बताया कह कि तुम्हारे पास में बता कोई चीज है जिसमें तुम गर्व कर सको, क्या हमने तो अपने शिवाजी है, हमने कहा कि हमने कहा उनको कि हम क्या चीज है तो बताए तुमको क्या है, मेरा अपना देखो तो पॉकेट में पैसा है कहाँ है, जिसमें देखो तो कौन चीज नजर आता है ये तो कौन चीज नजर आता है कहाँ का है तुमको
संघ ठीक है, वो तीन शेर जो है वो इस बिहार की पहचान है, वो पाटलिपुत्र की पहचान है ठीक है। और इसका सिक्का कांधार अफगानिस्तान तक चलता था और बर्मा तक चलता था, ये हमारा समय था। और बामियान अफगानिस्तान में जगह है जहाँ भगवान बुद्ध की इतनी प्राचीन मूर्ति और सुंदर मूर्ति है जिसको कि तालिबान ने बहुत लगा कर उड़ा दिया, तो वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। तो संस्कृति का नष्ट करने का तो काम चलता ही रहेगा, इससे इनकार कहाँ है? भारत अंदर जल गया, इनकार कहाँ है? इनकार ये है कि हम कमजोर साबित होते रहे हैं, इनकार ये है कि हमने राजनेताओं को अपना सब कुछ मान लिया। 5 से 10 लाख आदमी पार्टीशन में जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ मारे गए, अगर उतने ही आदमी भारत में अंग्रेजों के द्वारा कभी मारे गए होते 1947 के पहले तो भारत न जाने कब का आजाद हो चुका होगा, लेकिन सैक्रिफाइस करने की आदत हमारी नहीं है। इसलिए हम भारत को इतना प्यार नहीं करते हैं जितना अपनी संपत्ति अपने बेटों से प्यार करते हैं, अपने मातृभूमि से प्यार करने का जज्बा आज तक नहीं पैदा करते। तो विद्यार्थियों ये सब मैंने कहानी बातें इसलिए बताई हैं ताकि आप जब जग जारी रहे भाई कि हमारे घर दादा के पास कितनी जमीन थी, बाप के पास इतना जमीन रहेगा, आप तो इकट्ठा में चले ठीक है। तो भारत इतना विशाल देश है, इसकी जनसंख्या इतनी है, तो बड़ा बंटवारा हो गया, हो जाने दीजिए, उससे होना क्या है। लेकिन जो देश अभी बच रहा है ठीक है, उसको तो बचा करके चलना है, उसके लिए तो जज्बात नहीं चाहिए। और धारा 370 जब हमारे नरेंद्र मोदी ने हटाया तो लगा ये कि नहीं अभी गुजराती पटेलों का जो है जो सचिव कायम है, गुजराती लोगों का जो कायम है और अभी भी वो देश के लिए वही एक ऊर्जा का संदेश लेकर के आ रहे हैं। देखा एक निहायत ही उचित कदम, जरूरी कदम और समय के साथ चलने वाला है। और इनके इस कदम से हम जो सारे परमाणु अपने आप को महसूस करते हैं, जो मेरा पिछड़ा भाई था, जो मेरा पिछड़ा क्षेत्र था, जो एक भारत का सिरमौर कर जाने वाला क्षेत्र था, वो आज हमें विलीन हो गया है, हमारी इस बड़ी संस्कृति में वो आ गया है और उनका हिस्सा बन चुका है। अब इसको दोहरा नहीं हो रेडियो की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, मैक्स मूलर जर्मन सब फिलोसफर उसने अंग्रेजों को पहले ही कर दिया था, बेटा भारत को गुलाम बनाओगे तो दुनिया का देश रहा है, समझ जाओ कोई उपाय नहीं है, ज्यादा दिन तक किसी को गुलाम तुम नहीं बना सकते हो। और जैसा कि गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, मोटाराम से कहा है कि विध्वंस जो है वो समय के साथ जरूरत है, जब तक विध्वंस नहीं होगा तब तक रचनाएं भी नहीं होंगी ठीक है। अमरनाथ भवन पहले का बना नया, पुराना अमरनाथ भवन ध्वस्त हो गया, बस मिल जाएंगे भी तो विध्वंस की ताकत की जांच के लिए भी ताकत चाहिए और सृजन की भी ताकत चाहिए, देश तभी आगे बढ़ता है। आप लोगों ने देखा तो महाभारत में विध्वंस भी हुआ, उसके बाद सृजन भी हुआ, रामायण में भी विध्वंस भी हुआ, सुनने की लंका जल गई लेकिन नई लंका ने वहां जन्म दिया ठीक है। इसलिए विध्वंस रहिए मत, विध्वंस आपके लिए नया समाज लेकर के आता है, नई दुनिया लेकर के आता है, नई संस्कृति लेकर के आता है ठीक है। और अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विध्वंस हुआ तो उस समय बहुत सारे देश उसकी गर्मी से उसकी पैदाइश से निकल करके सामने आए, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसकी गर्मी से उसकी राख से बहुत सारे देशों ने पैदा किया, उसमें भारत भी है। मेरी आए तो क्रांति जो है अगर कर सकते हैं तो कीजिए, मंगल पांडे था और उसने 1857 की क्रांति का हुजूर किया, लेकिन क्या वो बात रहेगी कश्मीरी पंडित 4 से 5 लाख की संख्या में
लगा दिए गए और कोई जबरदस्त विरोध विरोध या क्रांति का स्वर उस जमीन से नहीं होगा। हमको अभी भी लगता है क्या भगा दिए जाएंगे और कोई विद्रोह नहीं हो, कैसे संभव है? अफगानिस्तान 4 लाख की सेना है और 70,000 तालिबानियों के सामने सरेंडर कर रहा है, क्या बात है ये? 70 लाख की आबादी इजराइल की है, वो सारे अरब देशों को नाक चले के बात करके अपना झंडा बुलंद करके खड़ा रहता है, क्यों खड़ा रहता है? अभी सोचा है आप लोगों ने? सोचिए और इस सोच को अपने देश के हित में लगाइए। कमजोर भुजाओं से और कमजोर इच्छा शक्ति से न तो देश चलता है न समाज चलता है। इसलिए अपने आप को बदलिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, एक बलवान नहीं बलवान नहीं कहलाइए। दुनिया के हर हिस्से में जहां भाग लेगा वो उसी नाम से जाना जाए और यही वजह है कि कमला हैरिस से लेकर के पता नहीं कितने लोग और दूसरे दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में इस भारत का झंडा लहरा रहे हैं। भारत की जमीन ये पृथ्वी का जमीन हो या फिर पृथ्वी से लगा हुआ आसमान हो, भारतीयों ने हर जगह अपना झंडा फहराया है। इसमें कहीं भी कोई चिंता कहीं कोई दूसरी बात नहीं होती है, आगे होनी चाहिए। इसलिए भारतवासियों की जो बेहतरीन परंपरा है उसके साथ भी जुड़िए और अपने आप को साबित कीजिए कि जो सांस्कृतिक विरासत हमको मिली है, जो चाहे वो मुट्ठी पर भी जमीन हमारे इतिहास को नहीं बची है, हम उसका सृजन करेंगे और उसमें जो भी कुछ